इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियां दे दे के इस कौम का हशर हो गया है। और जो इस वक्त मौजूदा मुल्क में जो लीडरशिप है वो कहती है उसामा बिन लादेन के बारे में क्लियर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो कौन है। मतलब आपने, हम दुनिया को बता रहे हैं कि जी हमने अलकायदा खत्म की, अलकायदा खत्म की, और हमारा प्राइम मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी वो उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब शुरू में उन्होंने, इमरान खान साहब ने ये बात की, और जब उन्होंने ये बात की तो उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने कहा जी ये स्लिप ऑफ टंग हो गया, फिर ये कहा जी ये फ्रॉडियन स्लिप है, फिर किसी ने कहा कि बस उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया। मैं देख रहा था कि जो इमरान खान साहब के जो एक हैं नुमाइंदे हैं, स्पोक्समैन हैं कह लें उन्हें, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने दो दफा लफ्ज किल्ड इस्तेमाल किया और बस ये कंट्रोवर्शियल और अननेसेसरी बातें की गई। और फिर पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, जरदारी और बाकियों ने कहा कि भाई किस तरह की बातें कर रहे हो, एक वायलेंट एक्सट्रीमिज्म रखने वाला है बंदा, और जिसने हमारे एपीएस में बंदे मारे हैं, डैनियल पल को मारा गया यहाँ पे, और तुम उसको जो है वो दहशतगर्द कहने के लिए तैयार नहीं हो। मतलब ये किस तरह की लीडरशिप हमारे पास है इस वक्त, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसामा बिन लादेन जो है वो दहशतगर्द है। मतलब वो हर वक्त ये इसको अवॉइड करना चाहते हैं। मतलब हमारे मुल्क के अंदर कन्फ्यूजन है बहुत ज्यादा कि हमने ये 18 साल किस चीज के खिलाफ जाने दिए हैं। ये 18 साल क्या हमने झग मारी है, क्या हम आपकी अवाम मारी गई, आपकी फौज के लोग जो है वो जानों से गए, शहीद हुए, मतलब अवाम का नुकसान हुआ, सड़कों पे हमारे क्या हुआ, इकोनॉमी तबाह हो गई, और आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन दहशतगर्द और कौन दहशतगर्द नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम जाके बताते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, भाई हम खुद ही क्लियर नहीं है। क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप क्लियर नहीं है ना, इसका बातें तो ये पता चलता है कि अगर मुल्क का वजीर आजम जो है वो ही क्लियर नहीं है। ये तो कहा जाता है कि इमरान खान एक आज से पहले भी एक जगह 3-4 साल पहले इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि उसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं है। तो पता तो ये चलता है कि इमरान खान साहब हों या शाह महमूद कुरैशी साहब हों, वो तो समझते हैं कि हमें उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं देख रहा था इन चीजों को, क्या ये सियासतदान इसी तरह अवाम को कंफ्यूज रखेंगे, क्या ये मुल्क कभी क्लैरिटी नहीं लेके आएगा, या इस मुल्क के अवाम कभी क्लैरिटी नहीं लेके आएंगे, क्या इनके इलेक्शंस और इनके जो इलेक्शन मैनिफेस्टो हैं, क्या ये इतने इसी तरह ये हमारे साथ करते रहेंगे कि इनको सिर्फ इलेक्शन लड़ना, और इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं। मतलब आप ये समझते हैं कि आपने सिर्फ प्रैग्मेटिक रहना है, ये किस किस्म के प्रैग्मेटिज्म शो कर रहे हैं, या आपके लिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी इंपॉर्टेंट है, या कि सिर्फ आप हमारे जो सियासतदान है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन हारने से डरते हैं कि जी इलेक्शन अगर हम हारेंगे तो वही हमारा सबसे बड़ा नुकसान है, इससे बड़ा हमारा कोई नुकसान नहीं। और ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इससे ज्यादा हमें और क्या कन्फ्यूजन मिल सकती है कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे तबाही मच गई, इस मुल्क में की जड़ें हिल के रह गई, और बड़ी मुश्किल से मुल्क जो है वो दोबारा पांव पे खड़ा हो रहा है। और जो लीडरशिप हमारे, और ये वो मुल्क की लीडरशिप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो यूथ को बात करती है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं यूथ को लीडर हूं, मैं यूथ की पावर से असेंबली में पहुंचाऊं। तो अगर आप यूथ की पावर से असेंबली में पहुंचे इमरान खान साहब, तो फिर क्यों कर आप ये समझते हैं कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द जो है वो नहीं था। आज शाह महमूद कुरैशी को पता है कि अगर मैं ये कहूंगा कि वो दहशतगर्द नहीं है तो मैं तो सारा मजहबी वोटर और दाएं बाजू का कंजर्वेटिव जो वोटर है उससे हाथ धो बैठूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर और इलेक्शन जीतने के लिए ये मुल्क को एक मिसकोट करते हैं। मुल्क के लिए जो एक क्लैरिटी होती है वो क्लैरिटी नहीं लेके आते, क्योंकि इनको पता है कि हमने इलेक्शन लड़ने हैं। तो भाई जब आपने इलेक्शन लड़ना है तो फिर मुल्क की जंग किसने लड़नी है,
आपको तो इस चीज से गर्ज है कि भाई हम जो है वो पावर में रहे, हम हमें जो है वो अवाम जो है वो रिजेक्ट ना करे। तो मुल्क का किसने सोचना है, ये बात क्यों स्टैब्लिश नहीं होती? एक तरफ हम कहते हैं जी वो देखें जी हमारी दहशतगर्दी की जो जाने हैं ना वो हमने कुर्बानियां दी हैं, उसको दुनिया मानती नहीं। दुनिया क्यों कर मानेगी आपकी बातों को जनाब, जब आप खुद ही कंफ्यूज हैं? आपने जब जिस दुनिया को जिसको जिस मुल्क की जिस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने दहशतगर्द करार दिया, क्योंकि उसको सिक्योरिटी काउंसिल ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दहशतगर्द करार दिया, और आपके मुल्क ने भी उसको दहशतगर्द करार दिया, आपके मुल्क ने भी उस बंदे को दहशतगर्द करार दिया, जब वो मारा गया तो आप कहते हैं नहीं मुझे। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो ये है पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, ये विदेश मंत्री के साथ साथ पीरी फकीरी भी करते हैं और अपने इलाके के अच्छे खासे पीर हैं, मतलब लोगों को आशीर्वाद और मतलब जो भी करते हैं, मुझे नहीं पता उसके बारे में एग्जैक्ट वर्ड उर्दू के क्या हैं, तो वो करते हैं और अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। तो इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरह और जो परवेज़ मुशर्रफ की तरह ओसामा बिन लादेन पर क्लियर स्टैंड दे दिया है। परवेज़ मुशर्रफ का बयान था, आप इंटरव्यू जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का था ये शहीद, शहीद शहीद मतलब आप समझ सकते हो क्या है। तो इन लोगों का एक स्टैंड क्लियर है, ये ओसामा बिन लादेन को हेट नहीं करते, टेररिस्ट नहीं मानते, ये ओसामा बिन लादेन को इनडायरेक्टली हीरो मानते हैं। तो अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान से ही ओसामा बिन लादेन निकला था, अमेरिका को ये भी क्लियर होगा कि इन्हीं ने, पाकिस्तानियों ने, ISI ने, पाकिस्तान फ़ौज ने ही ओसामा बिन लादेन को सिक्योर करके छुपाया था। अगर ओसामा बिन लादेन को पकड़ के इन्वेस्टिगेशन करते तो शायद ये सब चीज़ें बाहर आ जाती, लेकिन हम मेरे ख्याल से तो अमेरिका को सब कुछ पता है, और अमेरिका पाकिस्तान पर इसलिए ट्रस्ट नहीं करता है, और पाकिस्तानियों को भी इंटरनली ये चीज़ें पता हैं। जब ये खुलेआम कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन शहीद है, खुलेआम कहते हैं ओसामा बिन लादेन हीरो है, तो मतलब अब दुनिया को रह क्या जाता है? क्लियरली इनके पीछे इनके हाथ रहा है टेररिज्म के पीछे। तो पाकिस्तान तो मतलब अब ये कमर चीमा थोड़ा सा लिबरल बन रहा है आजकल, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, अगर आप इसको 3-4 सालों से फॉलो करते हैं तो इसका भी यही कुछ ऐसा ही नज़रिया था। ये आजकल थोड़ा इंडियन मीडिया में आने लगा है, थोड़ा सा देखने लगे लोग इसको, तो ये आजकल थोड़ा सा सेंसिबल बातें करने लगा, बाकी ये भी इसी कैटेगरी का बंदा था। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी जब खुलेआम इंटरनेशनल मीडिया में ऐसे बयान दे रहे हैं तो इनका तो क्लियरली तालिबान को, ओसामा बिन लादेन को इनका सपोर्ट रहा है। ये अमेरिका से भी पैसे लेते हैं और टेररिस्ट से भी पैसे लेते हैं। ओसामा बिन लादेन से भी इनने अच्छा खासा पैसा लिया होगा, किस लिए? ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पनाह देने के लिए। अब पाकिस्तान में कितने दिन पनाह ली इसका भी आइडिया नहीं है, तो ये सब सीक्रेट अमेरिका भी शायद शेयर नहीं करना चाह रहा था। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।